गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन आज साइंस में चैप्टर वन को हम लोग रिवीजन करेंगे चैप्टर वन आपका अब कंप्लीट हो गया है एक बार इसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं थिंग्स अराउंड हमारे चारों बगल जो थिंग्स है उसके बारे में जानेंगे तो हमारे चारों बगल जो है हम जहाँ रहते हैं हम लोग अपने चारों ओर लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स और थिंग्स गिवन बाय नेचर जो नेचुरल थिंग्स होता है और थिंग्स मेड बाय अस जो हम लोगों का बनाया हुआ थिंग्स होता है ये हम लोग फोर टाइप्स थिंग्स देखते हैं इन दिस लेसन वी विल फाइंड आउट हाउ लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स इस लेसन में हम ये जानेंगे कि लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से डिफरेंट कैसे है लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स हैव सम स्पेशल फीचर दीज फीचर्स मेक डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स के पास जो है कुछ स्पेशल फीचर्स होते हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से उसे डिफरेंट करता है अब इस पिक्चर में आप देखिए लिविंग थिंग्स जो है वो खा सकता है वो मूव कर सकता है दौड़ सकता है वो ग्रो भी कर सकता है वो फील कर सकता है ठीक है और वो उसके पास बेबीज भी होते हैं तो यहाँ देखिए क्या है कि लिविंग थिंग्स कैन इट कैन इट ग्रो ब्रीथ एंड फिल दे कैन हैव बेबीज बेवी, और देयर ओन लिटिल वर्नस उसके पास वो जो है लि, लिविंग थिंग्स खा सकता है मूव कर सकता है ग्रो कर सकता है वो ब्रीथ कर सकता है और फील भी करता है उसके अपना बेबीज होते हैं लिटिल वंस होते हैं नन लिविंग थिंग्स नन लिविंग थिंग्स कैन नॉट ब्रीथ वो जो है ब्रीथ नहीं उसको ब्रीथ नहीं लेता है मूव नहीं करता है इट भी नहीं करता है फील भी नहीं करता है और ग्रो भी नहीं करता है उसके कोई बेबीज नहीं होते हैं जैसे टॉयज पेंसिल्स एयर वाटर बुक्स ये सब क्या है नॉन लिविंग थिंग्स है ठीक है उसके बाद है नेचुरल थिंग्स नेचुरल थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स सच एज वाटर एयर सोयल एंड रॉक्स आर फाउंड इन नेचर ये सारे जितने भी हैं ये सब नेचुरल थिंग्स हैं लेकिन ये नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं दे आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स ये सब क्या कहलाते हैं नेचुरल थिंग्स हैं We cannot make these things. इसको हम लोग नहीं बना सकते Things made by us, जिसे हम लोग बनाते हैं जैसे non-living things such as book, toy, car. ये सब क्या है ये made by us, हम लोग का बनाया हुआ है मेन का बनाया हुआ है तो ये सब क्या कहलाता है Human man-made things. यहाँ आपको कुछ जो है फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है जिसको आपको हेल्प बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं ऑप्शन इसका और इसमें यहाँ पे मैंने भर दिया है अब यहाँ देखिए नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स ऑल प्लांट्स आर एनिमल्स लिविंग थिंग्स लिविंग थिंग्स ब्रीथ एंड इट नॉन लिविंग थिंग्स कैन नॉट फेल सोयल एंड वाटर आर नेचुरल थिंग्स ट्रू फॉल्स देखिए डॉग और फिश आर लिविंग थिंग्स तो क्या है ये सही है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे ट्रू लिविंग थिंग्स डू नॉट इट ये लिविंग थिंग्स खाते नहीं है वो खाता है ना तो ये क्या हो गया फॉल्स नन लिविंग थिंग्स कैन नाट फील ये सही है नन लिविंग थिंग्स फिल नहीं करता है तो ये हो गया ट्रू थिंग्स मेड बाय अस कॉल्ड नेचुरल थिंग्स जिसको हम लोग जो है बनाते हैं उसको नेचुरल थिंग्स खाते हैं नहीं ये फॉल्स हो गया फाइंड बोथ लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड तो हो हम लोग अपने जो है अराउंड में क्या नॉन लिविंग तो और लिविंग दोनों ना रह पाते हैं तो ये क्या है सही हो गया ट्रू है लिविंग थिंग्स कैन ब्रीथ नॉन लिविंग लिविंग थिंग्स कैन नॉट लिविंग थिंग्स can grow or non living things cannot have babies rocks are natural things butterfly living things अब यहाँ देखिए दिया हुआ है लिविंग थिंग्स दो दो एग्जाम्पल आपको लिखना है लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स नेचुरल थिंग्स और ह्यूमन मेड थिंग्स ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है इसका फिर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन आंसर भी हम आपको पहले भी इसका हम करवा चुके हैं ठीक है ठेके? उसके बाद ये आपका होमवर्क है यहाँ पे आपका कुछ जो है लिविंग थिंग्स और नन लिविंग थिंग्स के यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं ये आपका दो कॉलम बना हुआ है एक है लिविंग थिंग्स और दूसरा है नॉन लिविंग थिंग्स इस ये सारे जो वर्ड्स हैं इनको आपको अलग अलग करके लिखना है जो लिविंग थिंग्स है इसमें लिखना है और जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो इसमें लिखना है तो इनको इसको आपको बनाना आसान है इसमें देखते जाइए जैसे कार कार क्या है नॉन लिविंग थिंग्स है तो यहाँ लिखाएगा स्पाइडर लिविंग थिंग्स है तो ये इसमें लिखाएगा इसी तरह से आपको देखना है इसमें कौन सा लिविंग थिंग्स है कौन नॉन लिविंग थिंग्स है और दोनों को अलग अलग कॉलम में लिखना है उसके बाद आपका ये चैप्टर वन साइंस का ये चैप्टर वन ख़त्म हो गया अब आपको इसमें से कुछ टेस्ट देने हैं अब तक जो आपने पढ़ा है उसको आप कहाँ तक याद कर रहे हैं ठीक है तो आपका जो है ये टेन मार्क्स का टेस्ट है क्वेश्चन आंसर है व्हाट डू लिविंग थिंग्स नीड टू लीव लिविंग थिंग्स को जीने के लिए लाइफ के लिए क्या क्या ज़रूरी है व्हाट डू वी कॉल थिंग्स दैट आर फाउंड इन नेचर जो हम लोग नेचर में पाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं नेम टू थिंग्स डेट यू सी इन द गार्डन दो ऐसे थिंग्स का नाम लिखना है जो आप अपने गार्डन में देखते हैं उसके बाद है गिव टू एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल थिंग्स और नन लिविंग थिंग्स दो नेचुरल थिंग्स लिखना है और दो नन लिविंग थिंग्स लिखना है ठीक है ठीक है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं गुड डे